फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लैपबोर्ड जो फिल्मों की शूटिंग के दौरान यूज होती है, उसका आखिर क्या इस्तेमाल होता है, क्या यूज होता है। अगर आप एक नए फिल्म मेकर है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि क्लैपबोर्ड का यूज जानना एक नए फिल्म मेकर के लिए, एक नए डायरेक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है। या फिर आप एक आम दर्शक भी है तो भी आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि क्लैपबोर्ड का यूज बहुत लोगों को जानने की इच्छा होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लैपबोर्ड का इस्तेमाल बताने जा रहा हूं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर फिल्म मेकिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप उन वीडियोस को भी देख करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने फिल्मों की मेकिंग की वीडियोस देखे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि शॉट को स्टार्ट करने से पहले जो डायरेक्टर है वो लाइट्स कैमरा एक्शन बोलते हैं और उसके बाद क्लैपबोर्ड बजता है। क्लैपबोर्ड को आखिर क्यों बजाया जाता है? तो इसका सबसे पहला कारण ये है कि जैसे जब फिल्म की शूटिंग होती है तो उस समय कभी कभी जब साइलेंस माहौल में शूटिंग होती है, यानी जब माहौल के साउंड को कंट्रोल कर पाना आसान होता है, तब साउंड को उसी समय में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। यानी कैमरे में साउंड अलग से रिकॉर्ड होती ही है और उसके अलावा भी साउंड को किसी अलग से माइक्रोफोन में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ताकि साउंड की क्वालिटी अच्छी हो। तो दो तरह से साउंड्स रिकॉर्ड हो जाते हैं, कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है जिसे शूटिंग होती रहती है, और एक अलग से ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है माइक्रोफोन्स के जरिए। तो जब एडिटिंग के दौरान जब एडिटर एडिटिंग करने के लिए बैठते हैं तो उन्हें क्या करना रहता है, उन्हें वीडियो के साउंड को और ऑडियो के साउंड को मैच करना रहता है। तभी जो डायलॉग्स एक्टर्स बोलते हैं उन डायलॉग्स को वो मैच कर पाएंगे उनके लिपसिंग से। तो एडिटिंग के दौरान एडिटर क्या करते हैं कि क्लैपबोर्ड का जो साउंड है उसे वो मैच करते हैं। यानी कैमरे से जो साउंड रिकॉर्ड हुई है क्लैपबोर्ड की और जो अलग से एक्सटर्नल माइक में जो रिकॉर्ड हुई है क्लैपबोर्ड की साउंड, उन दोनों को वो मैच करते हैं। और वो दोनों साउंड जब मैच हो जाते हैं तो आगे का पूरा जो डायलॉग है जो एक्टर्स बोलते रहते हैं वो पूरा मैच हो जाता है। तो ऐसे में ऑडियो को मैच करना, उसके लिपसिंग को मैच करना एडिटर के लिए आसान हो जाता है। अब जानते हैं इसका दूसरा इस्तेमाल क्या होता है। देखिए, जो क्लैपबोर्ड होती है उसमें प्रोडक्शन हाउस का नाम लिखा हुआ रहता है, फिर उसके बाद उसमें डायरेक्टर का नाम लिखा हुआ रहता है, उसमें सीन नंबर लिखा हुआ रहता है, डेट लिखा हुआ रहता है और टेक नंबर लिखा हुआ रहता है। तो होता क्या है कि जब शूटिंग होते रहती है तो मान लीजिए कि एक सीन को 3-4 टेक्स लिए गए, उसमें से तीसरा नंबर टेक जो है वो सही है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम क्या होता है, वो टेक नंबर को नोट कर लेते हैं जो ओके है। तो मान लीजिए थर्ड नंबर टेक ओके है तो उसमें वो ओके लिख देते हैं। अब जब एडिटर एडिटिंग के लिए बैठता है तो वो डायरेक्टर जो लिखा हुआ है, यानी जो असिस्टेंट डायरेक्टर ने जो लिखा है टेक नंबर ओके है, जैसे थर्ड टेक नंबर ओके था, तो एडिटर देख लेता है कि हाँ ये थर्ड टेक नंबर ओके है, तो डायरेक्टली थर्ड नंबर टेक पे आ जाता है। और उसे वो कैसे पता चलता है कि थर्ड नंबर टेक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसे पता चलता है क्लैपबोर्ड के जरिए। क्लैपबोर्ड में सीन नंबर भी लिखा हुआ रहता है और डेट भी लिखा हुआ रहता है और टेक नंबर भी लिखा हुआ रहता है। तो मान लीजिए टेक नंबर 3 ओके है, तो एडिटर क्या करता है कि वो क्लैपबोर्ड में से देख लेता है कि टेक नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वहाँ के बाद से वो एडिटिंग को स्टार्ट करता है, तो उसका भी समय वेस्ट नहीं होता है, वो भी जो एडिटिंग करता है उसे आसानी होती है उसमें। तो जनरली देखा जाए तो क्लैपबोर्ड के दो मेन यूजेस होते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि वो ऑडियो को और जो वीडियो में जो ऑडियो रहती है उसे सिंक्रोनाइज करने के काम में आता है, यानी जो कैमरे का साउंड रहता है और जो अलग से एक्सटर्नल माइक में जो साउंड रिकॉर्ड होती है दोनों को मैच करने के काम में आता है, ताकि जो एक्टर्स डायलॉग्स बोलते रहते हैं वो पूरा उनके लिप्स से मैच कर जाए। और दूसरा यूज उसका ये होता है कि जब एडिटर एडिटिंग के लिए बैठता है तो वो टेक नंबर, सीन नंबर, डेट ये सब आसानी से क्लैपबोर्ड में देख करके समझ जाता है और फिर वहाँ से वो एडिटिंग को स्टार्ट करता है, तो एडिटिंग आसानी से हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज आपको क्लैपबोर्ड का यूज़ पता चला। बहुत लोगों को क्लैपबोर्ड का यूज़ जानने में इंटरेस्ट था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।